उक्त समस्त कर्मी गुरु भाई माँ माने समस्त को मोर शुभ सन्धार हार्दिक जय गुरु प्रीति शुभेच्छा परम दल पद प्रांतरे से सर्वविध मंगल जनाए। वर्तमान बहु जगार ऑनलाइन सत्संग अनुषित हो जो कथा कहते सरोज भाई मत का राति कहले जोग देवाई मुस्तव में वक्ता नुह अनेक थर सरोज भाई सहित मु सत्संग जोगदान कर जानते वक्ता नुह बोली तेरे ठाकुर को धरिकी चली जितेबले अंत किसी कथा कह पड़ो देख ली आज लिंक रे अच्छी दीज भाई सत्संग नवेदन करोगेन्द्र साहू भाई आ गोपीनाथ थापा भाई तेना प्रारंभ रे यही दुई जन भाई जे सत्संग नवेदन करम पद प्रांत सुस्थ सुदीर्घ इष्टम जीवन कामना करे परम दल पद प्रांत इष्ट प्रतिष्ठापन्न हूँ एवं परिवेश रे इष्ट को संचारित करंतु यही परम दल पद प्रांत मोर एकांत प्रार्थना। वर्तमान ये आम समस्ते लॉकडाउन रे अच्छे जो आम आदरी नीचे ई सत्संग ऑनलाइन सत्संग को तेरे परम दल ठाकुर सत्संग हूँ जीवंत प्राणवंत कहीं सत्संग जो मानक पूजा आराधना करा जाए जो मानक जहां संपर्क आलोचना करा जाए से जीवंत जेणु जीवंत पूजा हुए जीवंत आलोचना हुए एवं मनीष जीवन सर्वविध समस्या कथा आलोचना हुए तेणु ये सत्संग ये जीवंत आम मान परम भाग्यवान जीवन रे परम दयाल श्री ठाकुर को पाइचे तांकर नीति विधि जानीचे ताकू परिपालन करिया पई चेष्टा करूचे एटा ही परम भाग्यवान। वर्तमान ये कोरोना भाइरस आछि लोक माने सर्वत्र भयभीत एबे देश रे 20,000 मंदिर 30,000 मस्जिद ताला पड़ी रही प्रत्येक मनीष घरे ही ईश्वर को डाकुं पूजा पाठ कर आगुरी लोक धारणा थिला जे मंदिर को गले केवल ईश्वर को आराधना करी हुए एबे मनीष बुझिले जे घर भीतर रहिके ईश्वर को डाकी हबो एटा एक प्रकार बाध्यबाधकता किंतु आम सत्संगी मान एटा नीतिदिनिया कथा आम मंदिर को जाऊ किंतु आमर प्रत्येक घर गोटे गोटे मंदिर आम घरे ठाकुर अवस्थित सेठ प्रार्थना हुए पूजा प्रार्थना हुए नाम ध्यान हुए इष्ट जहाँ अनुशासन से अनुसार चलिया समस्त चेष्टित हम तेणु आमर घर मध्य गोटे मंदिर तेणु ये मंदिर रही अधिष्ठाता परम दयाल श्री ठाकुर ये जुगर पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ पुरुष ठाकुर कहले पुरुषोत्तम तेल आसती पुरुषोत्तम हूँ अमान ईश्वर अमान ईश्वर माने फ्रॉम टॉप टू टो अर्थात आपात मस्तक से हूँ ईश्वर अर्थात ईश्वर प्रतिमूर्ति हूँ पुरुषोत्तम एवं सी जिते बड़े आसती धर्म कथा कहती चलिबार कथा कहते मनीष मन भरी शुणे कि साधारण अवस्था को आसी जाती मनीष बुझी पारे ना से पुरुषोत्तम पड़ी ठाकुर जीवदशा भितर अनेक लोक आड़ बड़ ज्ञानी गुणी आसी कि ईश्वर बोली विश्वास कर ठाकुर केवल अवतार नुह से अवतारी रूपे आ
तो स्वयं ईश्वर से परम ब्रह्म परमात्मा आम ये मनीष मान उद्धार करने ये धरा पृष्ठ अवतीर्ण होती मनीष धर्म पथरे चलिया धर्म चलनी भितर चलिया जन जीवंत आदर्श प्रयोजन पुरुषोत्तम आसती सी हूँ जीवंत आदर्श मनीष को जीवन पथरे जीवन बर्धन पथरे सी आगे निजे करती करती कहुए आपने आचारी धर्म जीवन शिखाए मंगलार विजय कृष्ण गोस्वामी जे जने विशिष्ट लोक बंगलार पंडित लोक विभिन्न तीर्थ भ्रमण जाते सियाड़ फेरी परमपुर से रामकृष्ण देव पाखे से तीर्थाटन रथ्य सी बखाणुं रामकृष्ण ठाकुर सब कथा शुणिले सब कथा शुणी सारिकी तापर कहते विजयदा जहा कहतु किंतु निज छाती उपरे को आंगुठी देख कहते एठिक न आसिले जीवन मजा ना वास्तव में जिते बड़े मनीष से जीवंत आदर्श को जीवंत भगवान जीवन रे धरी तांकर अनुशासन मानि न चले सेते बेले से जीवन को बुझी पारे ना कारण सी हेले जीवन और जीवन ए जीवन तांकर पाखरु आसी सी आमको जन्म दे केवल जन्म देना आम बंचिया समस्त प्रकार प्रस्तुति कर दे जाइंट जे कथा आम गोटे कथा अच्छे विश्व विश्व माझे जेखने जा साजे ताई दिए प्रभु साजे रखी ए विश्व रे जोटी जहाँ प्रयोजन से सब ठीक सजेक रखी दे से मोपाई मुझे उपभोग करु जीवन रे ग्रहण करी तांकर अनुशासन मान जे नचाले ताले मु जीवन रे से जीवन को उपभोग करी पारी जीवन रो मजा नहीं पारी ठाकुर कहले ईश्वर अछंती ना नाही सेटा गोटे बड़ प्रश्न नुह कितु मनीषर अस्तित्व अच्छी तेणु से चाहे से अस्तित्व विकास जो ठाकुर कहले बांचा बाड़ार मर्मदा ठीक ही जान धर्मता मनीष चाहे बंचिया पाई आउ चाहे बुद्धिप्राप्त होवाई एवं से बंचवा बढ़ापी जे अनुशासन जे विधि नियम जे सदाचार इत्यादि पालन करने कथा ताकू पालन न कले कि मनीष ठीक ठीक बंचिया बढ़िया पथर अग्रसर हो पार ना ठाकुर यही धर्म को गोटे फलित रूप से देखी जो कथा ठाकुर कहले धर कर हुआ आउ पा तांकु धरी तांकर अनुशासन मानी आम जदि कर चालू ताहले हेई उठिबु एवं धर्म जहाँ फल प्राप्त हो आज देखंतु विश्व दुनिया करोना रे लक्ष लक्ष लोक मृताहत होती किंतु जो मैंने सत्संगी जी ठाकुर जगन्नाथ निष्ठ को स्वस्थ परिपालन कर चली निरामिष भोजन कर चली तार फल ए समस्ते कहते जे सदाचार पालन कर शहे वर्ष तलु ठाकुर कहते जे सदाचार पालन करने निरामिष भोजन करने यहाँ कले इम्यूनिटी बढ़ो सेटा आमर हेकिर अछि एटा ही ठाकुर फलित धर्म आनुष्ठानिक धर्म कथा ठाकुर कहना ठाकुर कहते जीवन रे आचरण भीतर दे धर्म को फुटे चलिए बंची रही मुझे तमे मते बहन कर सब आड़े नहीं जीव तुमको देखिले लोक जमी मत बुझी पारे ये कथा ठाकुर चाहते से भाई हवापी हेले आम भितर तक मूर्त कर ठाकुर कहते देख मो नाक मंदिर या तो देखुचे आम बहुत सत्संग मंदिर या ठाकुर चाहते मुझे तो भितर रही तो भितर टा गोटे मंदिर हाँप तो भितर मंदिर में स्थान पाया कि मनीष हृदय भितर स्थान टे क्या मनीष हृदय विभिन्न कथार भरी रही जमती गोटे डा जा नदी में ता भर जदि मु गुड़ाए जिनस मोर भरिक रखे
ସେଥିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ରହିବନି। ସେଇଭଳି ଆମ ମଥାରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତୋର ଜାଗାଟିଏ ପରିଷ୍କାର କର, ମତେ ସେଠି ଗୋଟେ ଠାଇଁ ଦେ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ରହିବି। ତା ଭିତରେ ରହି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅନୁଶାସନ ତାକୁ ମୁଁ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବି, ତେବେ ଯାଇ ସେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହନ୍ତି ଭଗବାନ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଟାଣ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଯାହାର ଯେଭଳି ଟାଣ ସେ ସେଭଳି ରକ୍ଷା ପାଏ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନ କି ନ ମାନ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଧାଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଣ ସେଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ମାନ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଚାଲିବା। ସେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକିରି ମାନିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଥା ହେଇଛି, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା। ସେ ଜଣେ ଲୋକ দাদা ভয়েস কটি যাইছি মিউটি। হ্যালো ভাই, খামারি ভাই শুভজি মাঝে কটি গেল বোধ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ପାସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଭିସା ଦରକାର ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡିଲା ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଷ୍ଟ୍ରେଟ କାର୍ଟି ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ବାବା ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ହିମାଚଳ ଯିବେ। ଠାକୁର ବାହାରିଲେ, ଆସି ବସିଲେ ଗାଡ଼ିରେ, ତାପରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ, କହିଲେ ଥାକ ପରେ ଯାବ। ତାପରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଯେ ବଡ଼ଦା ଆପଣ ଯେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଠାକୁର ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ଯଦି ଠାକୁର ଯାଇଥାନ୍ତେ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଭିସା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ସିଏ ଚାହିଁବ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଟକେଇବ, ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ବୋଧ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ବାହ୍ୟତଃ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କହୁ, ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଟିକେ ଆମର, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଆମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମାନିକି ନ ଚାଲୁ ଏବଂ ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ସେଟା ଫୁଟି ନ ଉଠେ ତାହେଲେ କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସେବକ ବସିଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କିରେ ତୁ ଭାବିଛୁ ମୋର ସେବା କରୁଛୁ ବୋଲି ତୋର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ଦେଖ ମୋ ଦେହରେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ମାଛି ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ମୋର କଥାଟାକୁ ଯଦି ଠିକ ଠିକ ପରିପାଳନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ତୋର କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବତ ଭାବେ ମାନି ଚାଲିବା, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅନୁଶାସନ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ ଠିକ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲିବା। ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖିକି ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଧାରଣ ପାଳନର ଯେ ସୁପ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହବ ଏବଂ ମଣିଷ ଶାନ୍ତ ହବ, ଜ୍ଞାନୀ ହବ, ଆନନ୍ଦିତ ହବ ଏବଂ ନିଜେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇପାରିବ, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏଇ ଧର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଅମରତ୍ଵ ଦେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଶ୍ରୁତି ଭାଇ ଚେତନା ବହନ କରି ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ତାଙ୍କର
कथा गुड़िक निज आचरण भितर दे फुटे तोलिबो सेई केवल सेई जीवन रो स्वाद लाभ कर पारबा जीवन रो मजा नै पारिबो श्री ठाकुर को समय रे मु जदिओ दीक्षा ग्रहण करथिली तांगु दर्शन करियार सुजोग मते मिल नै मो पाई संभव हे नै सेते बेले तबे परम पूज्यपाद श्री बड़दा को संघ लाभ करछि तांको संस्पर्श अनेकटा आसी से गोटे आमर स्वस्ती सेवक बाहिनी थिला श्री बड़दा पिला मानकु एवं युवक मानकु खूब भल पाती मोर मन हो स्वस्ती बाहिनी जेतेबेले कार्य आरंभ कला ओडिसा रे सेतेबेले युवकर्मी एवं वयस्क कर्मी मानक भीतर गोटे द्वंद्व देखागला विरोधाभास देखागला तेणु स्वस्ती बाहन तरफ आम भुवनेश्वर विशेषकर कई जन एवं कटकर कई जन गुरु भाई मिसिक श्री बड़दा को प्रार्थना करूँ तक सहित बसिकर कथा ये सहित बस कथा भितर आम कही बड़दा जे आम बर्तमान ओडिशार काम करने आमको ये असुविधा हो जो मैंने वयस्क कर्मी एवं आम भितर गोटे द्वंद्व रोच विरोधाभास रोच तेणु कम कर असुविधा हो बड़दा कहते जे देवता देवता मानक भितर कौन के द्वंद्व सृष्टि हुए के कली लगे कली लगे देवता और असुर भितर तेणु आम समस्ते ठाकुर संतान ठाकुर जीवन में ग्रहण करे तेणु आम भितर द्वंद्व कहीं आसव कली कहीं आसव एवं मानव अभिमान कहीं आसव ये भारी भल लगी थी थे श्री श्री बड़दा बोते 1967 मसीहा हब सरी 76 मसीहा हब श्री श्री बड़दा भुवनेश्वर आसते प्रथम तर भुवनेश्वर आसा होती 1973 मसीहा 75 भी आसते 76 आसते से गोटे गोपालपुर प्रोग्राम होता गोपालपुर बुली जाए गोपालपुर प्रार्थना परे परे बाहरी गले समस्ते से आज भाया गाड़ी हाड़ी गाड़ी मटर किसी नाला आम खंडे खंडे सैकेल मात्र तेज जा जे कंट्राक्टर भाई की आम सांग कलु से अदीक्षित किंतु से दयाकोर आम चार पाँच जन गाड़ी में बस गाड़ी की बड़दा गाड़ी पचरे गलु जा गोपालपुर पहुँचल पहुँचला श्री बड़दा जोटी बसवा कथा से चलीगले देखले सेठ किसी व्यवस्था पत्र ना अव्यवस्था अच्छी तेणु गले सांगे सांगे बैग आसिले एवं गाड़ी में बसिले गाड़ी छाड़ी देला भुवनेश्वर अभिमुखे चा जलखिया खाइबा है जलखिया है किसी कहीं साथी जो मैंने जाते गोटे बस आईला से बहुत पिला मैंने सब आगे समस्ते फेरी आसिले फेरी आसला से कंट्राक्टर बाबू आम गोटे बाल जो आमर चिलिका कूल जो बालुगा बालुगा बजार गोटे झुड़ी रे झुड़ी हम फल कि कहले बड़दा को लेकर आम से बरकोल डाक बंगला बसईवा फल भोग निवेदन करवा तापर जीवा कई किसी खाई ना समस्ते खाइबे या कहकर से बड़दा गाड़ी स्पीड थिला 100 रु अधिका तेणु तेब भी से भाई खूब जोर से गाड़ी चलेकर बरकोल डाक बंगला पाखे सामने गाड़ीटा रखीदे तो हाथ जोड़ के बड़दा को कहले बड़दा आउ बरकोल डाक बंगला अच्छी से विश्राम नवा बड़दा पचारा कौन रिजर्व अच्छी स्पेशल क्लास कंट्राक्टर से कमी बुझी जाइंट हाँ करदे हाँ रिजर्व अच्छी बोलकर जाऊ से बड़दा गले आम समस्त गलु सहित बसिलु बसला जो फल नहीं था धुआधुई कलु कटाकटी कलु कटाकटी कर सारापर से बड़दा को जाकर नवेदन कलु आम समस्ते आम विनायक दा कहलु से राजी हेले कह आम मुझे जीवन रांगा माम कहलु सी भी मना कले कह ना मुझे जीवन आम समस्ते जिते नहीं नवेदन कलु से बड़दा कहते मुँ खाए आम बारंबार रिक्वेस्ट कलु आप
पाखे भोग लगे अन्य मैंने खाइबे अन्य मैंने समस्ते कहीं खाई ना भोक अच्छा बड़ा कल तुम मैंने खाई पार कि खाइबी कहीं मुझे सेठ चली आसली से मानकर मन दुख हो खाई ना मुझे खाईदेवी से बड़दा भाव जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां इष्ट स्मरे यही कथाटा श्री श्री बड़दा पाखे आम देख लुटा तो आम जानचु शास्त्र अच्छी कथा आमर अच्छी ऋषि मुनि मैंने कही ईशवास्यदम सर्व जगत क्या जगत जगतर प्रति सी अच्छा से मो भर अच्छा मो बाहर अच्छा मत सब बड़े देखुं किंतु यही बोधटा के जन भर अच्छे श्री बड़दा फेरी आसे आसिकर आफ्टरनून पहुंचले भुवनेश्वर किसी खिया पिया ना मझे केवल मुड़ी खियाला आम बाटर गोटे रही गलु से कंट्राक्टर जमेदे कि खोजा पड़ा श्री श्री बड़दा कहले आम सांगे जो गाड़ी जाइए पिलामन डाक मुड़ी दिए खायापी आम खोजा पड़ा बेले आमको नाम आम जो सन्ध्या पहुंचल खोजिक मुड़ी देने आम खाइल जहाँ को थे देखुले सी भूल नए भक्त सी अत्यंत करुणामय ठाकुर जब समस्त भल पाते शिशि बड़दा समस्त को सही भाव में भल पाते तेणु तो ठाकुर लोक बड़दा को पाइक ठाकुर नहांती एक बोध कही पार ना कहीं शिशि बड़दा भितर ठाकुर समस्त कथा से देखुले शिशि बड़दा को सामना को जीवा संभव ना आखिरे आखि मिले चाहे पारे कहीं विराट व्यक्तित्व आम मैंने रूम बसीचु कि मुह को चाह पार थे जड़े झीटे बाहर शाशुघर को गला सीटे टेरी तेनाली समस्ते घर समस्ते टेरी बोल कर चिड़ेले शाशुघर पलि आसला बाप घर रहा कह शाशुघर को जीवि किसी बापा तार आम गुरु भाई बापा धरिक आसिले बड़दा बड़दा पाखे एटा निवेदन कले बड़दा समस्त कथा शुणिले शुणिक कहले से झीटी कहले कहले तू मो मुह को आखिरे आखि देखे मिसे चाह पार से झीटी तो विकल अच्छी हाँ चाह पार से ठीक से बड़दा आखिरे आखि मिले चाहिए किसम चाहला पर देखाला तार टेरित्वटा लोप पाई जाइए तापर से घर को जाइए श्री श्री बड़दा तेणु श्री श्री दादा जे बाणी जे अच्छी एवं से लीला चले लोक लोकांतरे देखे से भक्ति जार जाग्रत अंतरे तेणु अंतर भितर जदि भक्ति थाए लीला मनुष देखि पार से लीला चलती से पिता पुत्र लीला चलती ठाकुर जी कथा कही एवार कर लीला अति चमत्कार आमी हेन नही जानी अन्य के बाद सार तेणु ठाकुर कहते मुझे ही जानी मुझे आउ थे जन्म निए एवं मुझे बाणी सब देखा जी स्कूल में पाठ करा जाए एवं मुझे न बुझी पारि से शिक्षक माड़ खाइबी एक ठाकुर कही तेणु ये जन्म से आसी विश्व दुनिया समस्त समस्या समाधान कथा विभिन्न बाणी मध्यम से दे जाइंट तेणु आमे समस्ते सर्वतः भल पाए कारण सी ही धर्म सी ही प्रेम सी सबकि चलिए पड़े कथा को कथार बहन कर चलवा ही एकमात्र प्रयोजन ये संपर्क में गोटे से पावना रोटे लीलार कथा कह मोर वक्तव्य सांग करी पावन बहुत भक्त तो रोते से जन माँ रोते ना हूँ सुशीला बाला हालदार ठाकुर गोटे जगह बसंती भक्त मान पर बसंती आलोचना चले से ठाकुर गोटे जगह उठी पुणी आउ गोटे जगह को जाती जो आउ गोटे जगह को जाती भक्त मान पचप चलती ये गोटे दिनकर घटना ठाकुर बसी छु उठिले उठिक आगे आगे चलुंत सांगे अच्छा प्यारिजा सरोजिन दी एवं यही माटी
चल चल जाउछन्थि आउ के जन एमत अछन्थि हठात ठाकुर ठियाई पड़ले ठियाई करी ए हलदार मां कहउछन्थि तरे तू आश्रम आसिलु गुरु ग्रहण कलु एठी रहिलु पाइलु कौन ए प्रश्न रो उत्तर दे परिबु से हतमम भइगले माटी ठाकुर मत गोटे प्रश्न पचारुछन्थि मु तार के उत्तर देबि तापर ठाकुर कहुछन्थि तू ठीक उत्तर दबु मु जाने तू उत्तर दे परिबु किंतु काहाकु पचारिबुनि तू निजे भाविक उत्तरटा दबु माटी भावुछि कौन उत्तर दबो कौन उत्तर दबो पुणि चाले ठाकुर सम्पर्क देखेली पुणि माटी पछकु बुलिकि कहिले देखे तू जदि एबे उत्तरटा न दे पारुछु ताहेले तते तीन दिन समय देली तीन दिन पर उत्तरटा दबु से माटी ठाकुर प्रणाम करके गले एवं से मुहूर्त ठारु से प्रश्न उत्तर से खोजी चलने प्रथम दिन गला द्वितीय दिन गला प्रतिदिन ठाकुर सका सन्ध्या आसिक प्रणाम कर जाती सी ठाकुर किसी पचारती कि ठाकुर भी किसी पचारती तृतीय दिन सरला चतुर्थ दिन सका उत्तरटा देवा पड़ो तृतीय दिन रात सही चिंतार केवल एकम्र चिंता से मुहूर्त ठारु जे प्रश्न उत्तर कौन हम हटात रातिर शेष प्रहर मन गोटे आसी ठाकुर मत प्रश्न कले मु आसी ठाकुर को पाई ठाकुर पुरुषोत्तम ए विश्व दुनिया प्रत्येक लोकं एकांत काम पाइबा मु तो पाई आउ पाइबि कौन ठाकुर मत प्रश्न कहीं कहले यही उत्तर यह भाविकी सका जा ठाकुर प्रणाम करू करू ठाकुर कहले आज तो तीन दिन हेगला सरीगला उत्तर जानचुटा माटी कह उत्तर पाई कौन कह माटी से कथा कहले ठाकुर मु तो आपण को पदप्रांत अच्छी आपण को पाई एवं आपण को पाइबा ही प्रत्येक मनुष्य एकमात्र लक्ष्य मुझे आपण को पाई आउ पाइबी कौन ठाकुर जंगे हाथ बाड़े दे कहले कहले मु ठीक जानी थी तू उत्तर दे पार खूब ठीक अच्छे महाटी तापर कहते ठाकुर ये तीन दिन मोर खाइबा पीवा शोवा मु सब भूली जाइछि एवं मु केवल ये प्रश्न उत्तर खाज खोली खोजी बुली ठाकुर कहले यही तो लाभ से माटी कहले लाभ ठाकुर कहले शुण इष्ट चिंता आउ तांको कर्म रे एई भली भावरे अभिभूत होकरी जदि चलू ताहले मनुष्य जदि एई भावरे अभिभूत होकर चले ताहले गोटे लहमारे कौन जाई पारे ता कहि हबनी ठाकुर तापर कहउछन्थि जे आम मथाए हजार हजार ग्रंथि अछि एवं से सब गुड़ाक अनभ्यास जो जड़ हो जा चिंतार जदि मनीष अनेक बार अग्रसर हो जाए ताल तार बहुत किछे ला तू जे तीन दिन यही भावना नहीं करी अछु ताल तोर आउ चिंता ना तोर आउ किछि करिवार ना इहला ठाकुरंकर कथा तांकु नहीं करी मनीष जदि चबीश घंटा चिंता करे ताले मनीषर मस्तिष्क ग्रंथि खोली जाए ज्ञान घर खोली जाए एवं मनीष तांकु पाए आमे ठाकुर को ग्रहण करचे ठाकुर को केते दूर आपणार कर पारचे आचार्य परम पूज्यपा श्री बड़दा कहती जे आम मान ईश्वर लाभ होइछि कहीं आम श्री ठाकुर को जीवन रे पाइचे गुरु रूप रे आमर काम है तांकु आपणई नवा आपणार कर नवा आमर आपणार अनेक अच्छा मोर स्त्री पुत्र परिवार घर द्वार गोटा कोठा बाड़ी टंका पैसा अनेक आपणार जिनस ठाकुर ग्रहण करपणार के करते मुख्य कर ठाकुर पाखे जड़े भाई आसिक कहले ठाकुर आप जनजानिष्टभूति कले आप तुम अभाव कमीज अभाव किसी रही मोर तो अभाव जाऊनि ठाकुर कौन तू जजना सब ठीक ठीक करुचु ना हाँ ठीक ठीक कर ठाकुर तोर अभाव जाऊ ना ना जाऊनि ठाकुर गोटे कागज आ कलम टे दे
ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉ? ନା କଣ 100 ଟଙ୍କା ନା 150 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛୁ? ନା ସେ ଦରମାଟା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଏ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ଦେ। ସେ ତାର ଲେଖିକି ଦେଲା, ତାହେଲେ ଚାଉଳ ଘର ଭଡ଼ା ତେଲ ଲୁଣ ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ କଥା ଲେଖିଦେଲା। ସେସବୁ ଲେଖିଲା ଯେ ଇଷ୍ଟଭୃତି 3 ଟଙ୍କା। ଠାକୁରଙ୍କୁ କାଗଜଟା ବଢ଼େଇଦେଲା। ଠାକୁର କାଗଜଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ, ଏଇଠି ତ ଗଳତି ରହିଲା, ଭୁଲଟା ତ ଏଇଠି ରହିଲା। ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରୁଛୁ ମାତ୍ର 3 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେ 3 ଟଙ୍କାଟା ତାଲିକାର ଶେଷରେ ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଉପରେ ରଖିପାରିଲୁନି, ତାର ଅଭାବ କେମିତି ଯିବ? ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ସେୟା। ଆମେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚାଲିବା ପ୍ରୟୋଜନ, ସେ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ତମର ସବୁ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଧିକାର କରିକି ବସିବି, ତମର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବେଶଭୂଷା ଏପରିକି ପରିସ୍ରା କରିବା ଝାଡ଼ା ଯିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ। ଯେଉଁଦିନ ଠାକୁର କହିଛି ପରିସ୍ରା କଲା ବେଳେ ପାଣି ନବ, ଆଉ ପାଇଖାନା ଗଲେ ଗାଧୁଆପାଧି କରିବ, ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ଯେମିତି ସିଏ ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା କରୁ 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 ମଣିଷ ତନ୍ମୟ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ ତତ୍ମୟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସମ୍ବିତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ତୋଳିବା, ନିଜର କରି ତୋଳିବା। ଏଟା ନିଜର ଯେମିତି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି, ବାପ ଯେମିତି, ପୁଅ ଯେମିତି, ଝିଅ ଯେମିତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରି ତୋଳିବା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଚରିତ୍ରଗତ କରି ତୋଳିବା। ଏବଂ ଆଉ ତା କରିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ଲୋଡ଼ା ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆପଣାର କରି ତୋଳିବା, ତାହା ସେବାରେ, ପରିପାଳନରେ, ପରିପୋଷଣରେ, ପରିପୂରଣରେ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଯେଭଳି ଆପ୍ତ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ, ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ହିଁ ଆପ୍ତ, ଆଉ ଆପ୍ତ ମାନେ ହିଁ ଆପଣାର କରିବା, ତାହା କଥାରେ, ବାର୍ତ୍ତାରେ, ଚରିତ୍ରରେ, ଚଳନରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରି ତୋଳେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ ସହଜରେ ମୁଁ ପରିପାଳନ କରିପାରିବି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ସିଏ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ନ ରଖିଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତ ଲାଭ କରିପାରିବିନି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ବି ପାଇବିନି, ଜୀବନର ମଜା ବି ପାଇବିନି, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହାତରେ ପଡ଼ିବି। ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଠୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୟାକରି ଏଇ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏବେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲିଛୁ, ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଛୁ। ଯୋଉ କଥାଟା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଟି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ, ଉତ୍ସବ, ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ମଥାରେ ବହନ କରିକି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ, ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାମଟା ଚାଲିଯାଏ ଆମେ ପୁଣି ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଆମକୁ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଯାହା ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ତାକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପରିପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପରିପାଳନ କରିପାରିବ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେତେ ନିକଟତର ହବ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି, ତଥ୍ୟ ସରୋଜ କୁମାରୀ ଭାଇ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଠାକୁର ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ କରେଇକିରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୋଧନ କରେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ନିରବ କର୍ମୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ଭକ୍ତ ଲୋକ, କଥା କମ୍, କାମରେ ବେଶୀ,
अब सी आज मत सुजोग दे मुखे कृतज्ञता ज्ञापन ऑनलाइन सत्संग सहित जिते कर्मी जिते भक्त एवं माँ मान संयुक्त ही से समस्त सुस्थ सुदीर्घ इष्टमय जीवन परम दल पद प्रांत प्रार्थना जनकर रोची। जय गुरु सरोज भाई। जय गुरु। हेलो। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जोगेन्द्र सह भाई पर गोपीनाथ हाथ भाई पर सत्संग दान कर तृतीय शुक्रवार मासिक सत्संग शुभ दिन परिवार ठाकुर नहीं सर्वमंगल अधिकारी हमें प्रार्थना निवेदन कर विशेष भाग्य पूज्य गोपीनाथ त्रिपाठी दास रक्षा कर जो संक्षिप्त समय भेत आलोचना रखिले वास्तव भारी जीवनीय आलोचना जो भाया ठाकुर को आपणार करने को हुए आपणार करने जरूरी नहीं उपभोग करने जीवन से कथा खूब सुंदर आलोचना चेहरा खूब सुंदर चेहरा बहुत सुंदर चेहरा चेहरा जमी सुंदर तर कथा भाषा भी सेमती सुंदर तर आचार व्यवहार से सुंदर कथा से मधुर देखिले लोक जेको लोक सहित दी मिनट मिसले भी खुशी हो जाए गोटे प्रेरणादायी व्यक्ति साइल अशेष कृतज्ञता जनचे धन्यवाद तो जन पारि ना जनार्दन दातिक सी मंदिर तेनालीस जनार्दन कह दी मिनट धन्यवाद जन शेष वेणु भाई जयराधि करेंगे ध्वनि देवे जनार्दन दा जनार्दन दा शुनि पार जनार्दन पंडा दा दादा जनार्दन दा मजर ऑन कर थले नमो वॉइस ऑन करन मजरे लाल स्विच तके ग्रीन कर दे मजर ऑन कर थले दादा जय गुरु। फोटो समस्त मोर जय गुरु जनुचे गोटे सौभाग्य मोर आज मोर ऋतिक श्रीजुक्त गोपीनाथ त्रिपाठी दादा आज ठाकुर विषय जो आलोचना कले
बहुत दिन परे ए आलोचना रे मु सुनिया को पाइली मोर सौभाग्य जे मु जेते बेले देवघर जाइथिले मो बस रे से समय रे गोपीनाथ दा मध्य आम सहित जाइथिले अनेक दादा मध्य जाइथिले एवं मु से समय रे दीक्षा नै नथिले एवं सेही समय मु बस रे जेते बेले जाइथिले ठाकुरंकर सेही भावधार रे मु बहुत खुशी हे करी एवं मोर जे जाजक थिले आमर नरेन दास दा से सब मो सहित सब कि बड़दा सहित मत से भेटे थिले सहित मुझे पांच दस मिनट कथबार्ता हेली समय जिते जो दिन आसवा कथा से आसवा समय रे जस्ट किसी समय पूर्वर मत जाजन करजन मु ठाकुर भावधारा उपर बहुत मानने आनंदित निजक निजे धन्य इच्छा प्रकाश कली दीक्षा नापाई समय नरेन्दा गोपीनाथ दादा को डाकिले कहले गोपीनाथ दादा को आप दीक्षा निये राति दसटा बेलू जो समय बाहर बार देवघर रु भुवनेश्वर को तार किसी समय पूर्वर मुझे राति दसटा बेलू दीक्षा नहीं थी से दिन ठो मोर गोटे मोर जो जीवन शैली ठाकुर को पाई मोर जीवन शैली पर आज मु अत्यंत खुशी जहाँ भी मुझे से ठाकुर गोपीनाथ दा को जिते मुझे देखे भुवनेश्वर रे से समय अनेक प्रेरणा दिखती ठाकुर भावधारा उपरे अनेक जिनस कहते मुझे देखे मत लगे जो भाव में गोटे ठाकुर पर लोक भाव मुझे देखे से भाव मो भर सृष्टि हुए आउ अल्प समय भितर जहाँ कह कथा मुझे समस्त को कहली परिशेष सरोजा को धन्यवाद दूची जे आज यही कलाहांडी जहा कि आज आम चली सरोजा समस्त को से निजर भाभी ठाकुर से भावधारा को समस्त भितर जो भाव प्रकाशित हे परिप्रकाश पाइबे समस्ते जो भाव ठाकुर को धरवे से कार्य सब से समस्त को निजर भाभी से आदरी नहीं था एणु यही अवसर मध्य मु धन्यवाद दौची ये कह मोर वक्तव्य शेष कर वंदे पुरुषोत्तम बर्तमान समाप्ति संगीत वेणु भाई नक बैरा भाई पाखे अच्छा बैरा भाई को अनुरोध करेंगे क्लोजिंग संग करेंगे वेणु भाई बैरा भाई को कहे बैरा भाई क्लोजिंग संग कर बैरा भाई अच्छा सागर बैरा भाई अच्छा बैरा भाई साहु भाई अच्छा ना बैरा भाई पल लगे रे जयराज कर जयराज ध्वनि देवे बेणु भाई दादा कर जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 हरे ठाकुर आसरे जय राधे राधे
जय